दोस्तों, 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिनमें पता चला है कि सारा अली खान भी सुकेश के निशाने पर थी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फातेही के साथ साथ 3 अन्य एक्ट्रेसेस को भी टारगेट किया था। इनमें सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम सामने आया है। सुकेश ने सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम लिया है। मई साल 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने टारगेट किया था। 21 मई के दिन सुकेश ने सारा अली खान को व्हाट्सएप मैसेज किया था। उन्होंने अपना परिचय सारा को बतौर सूरज रेड्डी दिया था। इन मैसेजेस में सुकेश ने सारा से कहा कि वो उन्हें पारिवारिक तौर पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा था कि उनकी सीईओ मिसेस ईरानी ने उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल न हो सकी। मिसेस ईरानी सुकेश चंद्रशेखर की एसोसिएट हैं, जो एक्ट्रेसेस को सुकेश संग बातचीत करने के लिए मनाती थी। पिंकी ईरानी ने ही जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश से मिलवाया था। सूरज रेड्डी उर्फ सुकेश लगातार सारा अली खान को मैसेजेस करते रहे, उन्हें महंगे गिफ्ट्स भी ऑफर करते रहे। सारा अली खान से ईडी ने इन्हीं गिफ्ट्स को लेकर पूछताछ की है। सारा ने 14 जनवरी साल 2022 को ईडी को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सुकेश को लगातार गिफ्ट्स लेने से इनकार करती रही, लेकिन वो नहीं माने। हार कर सारा ने सुकेश से एक चॉकलेट का बॉक्स भेजने के लिए कहा, जिसके साथ उन्होंने सारा को फ्रैंक मलर की घड़ी भी भेजी। भारत में इस घड़ी की कीमत लाखों में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बॉलीवुड की ये 3 हसीनाएं भी सुकेश के साथ इस ठगी में शामिल हैं या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।